बच्चों का फेवरेट डोरा केक बनाने के लिए हमें केवल 4 इंग्रेडिएंट लगेंगे और 5 से 7 मिनट लगेगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1/4 कप दूध में 1 छोटा चम्मच वाइट वाला विनेगर डाला है, 1 पैकेट ओरियो का लिया है और आज ये चॉकलेट क्रीम वाला ओरियो आ गया था। तो अगर वेनिला क्रीम वाला ओरियो लेते हैं ना, तो बाद में जब हम डोरा केक में स्टफिंग डालेंगे तो वो देखने में सुंदर लगता है कंट्रास्ट की वजह से। और अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर की क्रीम को अलग कर लेते हैं और बिस्किट को एक मिक्सी जार में डालते जाएंगे। चाहे तो हम इसको एक पैकेट में डाल के बेलन से भी तोड़ सकते हैं और फिर जब दूध डालेंगे तो बिस्किट अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा, लेकिन फटाफट से बनाना है तो मिक्सी का यूज़ करेंगे। और सारे बिस्किट हम इसमें डालने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं यूज़ होता है, केवल बेकिंग पाउडर ही इसमें पड़ता है। और चाहे तो हम यहाँ पे इनो भी यूज़ कर सकते हैं अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो। इसके बाद पीसने के बाद हम फटाफट से जो हमने दूध रखा था वो थोड़ा कर्डल हो चुका रहता है, इसीलिए सबसे पहले उसमें मैंने विनेगर डाला था। तो एक बड़े बाउल में ये बिस्किट का चूरा पलटेंगे और जो दूध थोड़ा कर्डल हो गया है, मतलब थोड़ा फट जाता है, पूरी तरह से नहीं फटता है, तो ये डालेंगे। और अभी 1/4 कप दूध इसमें और जाएगा और दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये तैयार है हमारा डोरा केक बनाने के लिए। तो एक तवे पे हल्का सा बटर लगा के ग्रीस कर लें और एक बराबर साइज़ बनाने के लिए हम एक कटोरी या मेजरिंग कप में बैटर को डालेंगे और फिर बराबर बराबर से एक साइज़ का डोरा केक बना लेंगे। साथ में मैंने एक चॉकलेट सॉस भी बनाई है और चॉकलेट सॉस बहुत फटाफट से 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। इसको अभी हमें टच नहीं करना है जब तक कि ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। अगर इसके पहले हम इसको पलटेंगे ना तो ये टूट जाएगा, तो इसको ऊपर से ड्राई होने देते हैं और फिर पलट देते हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी डोरा केक्स बना लेते हैं, बहुत ही बच्चों को पसंद आते हैं और बिना झंझट के फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। और अब इसकी स्टफिंग के लिए जो हमने क्रीम अलग करके रखा था वो काम आ जाएगी। और ऊपर से एक चॉकलेट सॉस बनाने के लिए मैंने ये डार्क कंपाउंड लिया है। यहाँ पे चाहे तो हम डेरी मिल्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा दूध गर्म कर लेंगे, बिल्कुल तेज गर्म दूध होना चाहिए। तो बस 2 चम्मच दूध डालेंगे और चॉकलेट फटाफट से मेल्ट हो जाएगी, वरना डबल बॉयलर वगैरह यूज़ करना पड़ता है। और मैंने इसमें 1 चुटकी बटर भी डाला था। इसको दूसरे कटोरी में निकालने के बाद ये 1 चम्मच मैंने चॉकलेट सॉस रखी है बचा के, इसमें ही हम ये अंदर के क्रीम को डाल के मिक्स कर लेंगे और डोरा केक में इसको फिर हम भर लेंगे। ये हमारी अंदर की स्टफिंग तैयार है। तो बस अब फटाफट से इसको हम केक्स के ऊपर लगाते हैं। ये पैन केक बनाना तो आसान है ही, हम बच्चों के टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, या बच्चों की जो पार्टी वगैरह होती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा नाश्ता है। तो बस इसमें अब हम तैयार की हुई चॉकलेट सॉस डालेंगे और ये तैयार है। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लीजिए ये सॉफ्ट सा डोरा केक बच्चों को देते हैं खाने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।